स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीरा स्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त चुका है 8 के 8 टैग का। पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कोरोना को लेकर प्रदेश के तमाम हिस्से से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डरा रही हैं। भीलवाड़ा में एक महिला को ठेले पर लिटाकर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। कोटा में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी लंबी कतारें और बिलखते परिजन एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। जेल में बंद बंदियों में से 32 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर केंद्र सरकार से अपील की। केंद्र सरकार की मदद की दरकार की जरूरत है और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री लोगों से हाथ जोड़कर, जी हां, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर मजबूर हैं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां बाद में भी हो जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता को चेताते हुए कहा कि सरकार 1 मई से 15 मई तक सख्त कदम उठा सकती है। इन तमाम बातों से साफ पता चलता है कि हालात हाथों से निकल चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सूबे के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन वक्त पर उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिया है। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि हालात अब हाथों से बेकाबू होते जा रहे हैं। आज की चर्चा इसी पर, कुछ बयान है, सुनाते हैं, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। जोड़ के राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां तो बाद में भी हो जाएगी। ये जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया, SOP जारी की है गृह विभाग ने, उसकी पालना सुनिश्चित करें। उसको उसकी पालना को अगर उनके आप अनुशासन तोड़ेंगे, इस संक्रमण बढ़ेगा, किसकी जिंदगी को खतरा, आपकी जिंदगी। तो एक मंत्री की यह गुहार आप समझ सकते हैं कि अगर हाथ जोड़कर विनती की जा रही, इसका मतलब यह है कि प्रदेश के हालात किस तरीके से बुरे होते जा रहे हैं। और आप प्रदेश के हालातों को मत देखिए, हिंदुस्तान में न गरीब न अमीर, न पैसे वाला न रिक्शे वाला, कोई नहीं फिलहाल इससे बचता हुआ दिखाई दे रहा। और अच्छे अच्छे लोग जिनके पास पावर है, रुतबा है, पैसा है, ताकत है, उनको भी निकल जा रहा है। इसीलिए आज सवाल है कि क्या वाकई में हाथों से स्थिति बेकाबू होती जा रही है, और हां तो फिर क्या करना होगा। मेरे साथ जितने मेहमान एक करके मैं परिचय करवाता हूं, चलेंगे सीधे सवालों पर। RC चौधरी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष पारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ। इसके अलावा अनिल भारद्वाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर गुंजन सोनी जी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, PBM हॉस्पिटल बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। RC चौधरी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, रघु शर्मा की तरफ से हाथ जोड़कर लोगों से विनती करनी पड़ गई कि लोग अब से संभल जाएं। जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है। मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे कि आप हमारे साथ जो हम डिमांड कर रहे पूरी करिए, वरना हालात वाकई में बेकाबू होते जा रहे, और जितनी ताकत थी पूरी हमने झोंक दी है, चाहे दवाइयों को लेकर, चाहे ब्यूरोक्रेसी को लेकर, चाहे सिस्टम को मजबूत करने को लेकर, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे समझाने बुझाने को लोगों को लेकर, लेकिन स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही। हालात से नियंत्रण खोता संजय जी, स्थिति इस वक्त बदतर होती जा रही, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे लोगों को समझाया जाएगा? आप संजय जी, निश्चित रूप से देश के गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा पूरे देश के राज्यों को कि जिन जिलों के अंदर 10% से ज्यादा संक्रमण के केस अगर हैं तो वहां पे स्ट्रिक्ट वहां पे प्रबंध किया जाए। और देश के 400 जिलों के अंदर लगभग 10% से ज्यादा है, मतलब देश एक तरफ से वापिस लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, चाहे कहीं पे भी शुरू की जाए। निश्चित रूप से जो माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने अपील की, जान है तो जहान है, जिंदगी के जश्न मनते रहेंगे। इतनी लंबी पीड़ा होती है, जो आपने जो बात कही, आज हमने हमारे मीडिया के कम से कम 105 साथी इस देश के अंदर खो दिए, उनमें से एक रोहित साधना सहित
कई बड़े दुख की बात होती है। जी न्यूज के हमारे जो साथी हैं जो जनता की आवाज उठाते रहते हैं राजस्थान के, वो भी संक्रमित हैं और परिवार के साथ में पीड़ा झेल रहे हैं। बड़े दुख की स्थिति है और इस स्थिति के अंदर कोई भी जो चीजें हैं जी, कहीं पे एसिम्प्टोमिक है कहीं पे दूसरी चीजें हैं, तो सबसे बड़ी जो अगर इसके अंदर कोई है, वैक्सीनेशन, मास्क, दूरी और अपने आप को हाइजीन रखने की चीजें हैं। निश्चित रूप से हमें इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारी खुद की जिंदगी का और प्रदेश की और देश के लोगों की जिंदगी का सवाल है इसमें। मैं कहीं पे भी जिस परिवार से एक जवान बच्चा जाता है, जिस परिवार में एक मौत होती है, एक परिवार का व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकता है, बड़ी असहनीय और पीड़ा होती है। इसलिए हम इसको चैन को तोड़ना होगा, ये हम सबके देश के लोगों का कर्तव्य है और सरकारें अपना दायित्व का निर्वहन उनको जो सुविधाएं मुहैया करवा सके। आपने देश के लोगों का कर्तव्य सर, आरसी चौधरी साहब आता हूं दोबारा, देश के लोगों का कर्तव्य और यही देश को लोग समझ नहीं रहे। अभी भी अनुशासन पखवाड़ा चल रहा राजस्थान के भीतर, यूपी में लॉकडाउन चल रहा, देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा जो वीकेंड का लगाया गया है, लेकिन अगर आप उस दिन निकलेंगे पुलिस का डंडा जहां पर नहीं दिखाई देता वहां पर आम दिनों की तरह लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आंकड़े इतने भयावह होते जा रहे फिर भी लोगों को समझ में बात नहीं आ रही। मनीष पारिक साहब, बात राजनीति से बहुत ऊपर हो चुकी है। एक मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री अगर निवेदन करने पर मजबूर हो जाएं तो यह बात समझी जा सकती है कि अब यह आखिरी पॉइंट है, जैसे बीमारियों में होता आखिरी स्टेज। अब लोग अगर नहीं सुधरे, नहीं संभले तो आगे वक्त भी नहीं मिलेगा। बात यह है कि जो दायित्व जिनका है उन तौर पर वो पूरा करेंगे, लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर भी ये बात सही है कि वहां जो मैं समझ रहा हूँ जहां तक ये कुछ जो ऑक्सीजन लेने की बात इन्होंने करी थी उसमें जो रिक्वायरमेंट बताए गए थे वो हुए नहीं। हेलो जी, अरे हेलो, आवाज जरा टूट के आ रही है यानी डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं आता हूँ दोबारा सर आपके पास। अनिल भारद्वाज जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप पब्लिक को भी देखते हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, हम लोगों को समझाकर थक गए। देश के भीतर देखिए बड़े बड़े लोगों की जाने जा रही हैं, लोग हैरान हैं, हताश हैं, सिस्टम भी इनके सामने पूरी तरीके से चरमराता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पब्लिक भी नहीं समझ रही थी। जब तक हम खुद अनुशासन में नहीं रहेंगे और इस महामारी से लड़ने के लिए खुद तैयार नहीं होंगे तो सिस्टम हो या सरकार हो या डॉक्टर हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम बाजारों में ऐसे नजर आते हैं कि जैसे हम भूखे मर रहे हों और हमने कुछ चीज देखी ही नहीं हो, और एक एक आदमी मतलब 10-10 किलो 20-20 किलो चीनी आटा लाके स्टॉक कर रहा है और उसने कोई भी अनुशासन की कोई भी चीज ना मास्क लगाता, और पुलिस का जो डंडा है पुलिस भी क्या करे, यदि पुलिस किसी की मोटरसाइकिल पकड़ लेती है तो उसी वक्त वो व्यक्ति टेलीफोन मोबाइल पे किसी दूसरे व्यक्ति से बात कराता और पुलिस अपने आप को असहाय नजर आती है, और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। और जब तक हम खुद अनुशासित नहीं होंगे तो इस महामारी पे हम रोक नहीं लगा पाएंगे। और स्थिति यह है कि गलती से किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उसको ये मान लेना चाहिए कि वो उसको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। कोटा में तो 5-6 दिन से मरीजों को भर्ती किया ही नहीं गया है किसी भी अस्पताल में, और स्थिति यह है कि लोग तड़फ रहे हैं और जैसे मछली तड़फती है बिना पानी के वैसे स्थिति हो गई है। और आम आदमी इतना हताश निराश है कि यदि उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया तो ये मान के ही चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब जब वो ऑक्सीजन ही ला सकता तो इंजेक्शन की तो बात बहुत दूर की है। इंजेक्शन तो उसकी मतलब पॉकेट अलाउ ही नहीं करेगी। ब्लैक में इंजेक्शन 30,000, 35,000, 40,000 का बिक रहा है, और जो बड़े लोग हैं उनको या पैसे वाले लोगों उसको भी ये महामारी छोड़ नहीं रही क्या? उसके साथ भी वही न्याय करती है जो एक आम आदमी के साथ करती है। और स्थिति यह है कि सब कुछ होने के बाद भी आदमी समझना नहीं चाहता, और उस शादी ब्याहों के अंदर वो मतलब डीजे पे डांस कर रहा है, उसको लग नहीं रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला है कल। और नहीं, यही सर तो दुविधा है, कुछ भी नहीं कर सही कहा रघु शर्मा ने कि शादी ब्याह तो दोबारा भी हो जाएंगे, बाद में भी वक्त होगा तो उस समय कर लिया जाएगा। एक तरफ दो तस्वीरें आई हैं, एक तरफ आप ये देखिए, हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ठेले पर डेड बॉडी लेकर जाया जा रहा है, ये हालात बन गए। आपने यूपी के जौनपुर की तस्वीरें कल परसों देखी होंगी,
साइकिल पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी की डेड बॉडी लेकर जा रहा, मजबूर था वो, उसको एम्बुलेंस तक मिल नहीं पाई थी। वाकई में ये सिस्टमों का दोष नहीं, लेकिन वाकई में कमी इतनी हो गई है, इतने लोग इस वक्त इफेक्टेड हो रहे, इतने लोग जिनकी जान जा रही है, कितना मैनेज किया जाए। लेकिन सवाल इनके लिए जिम्मेदार तो पब्लिक भी है, पब्लिक को अब नहीं एक साल से समझाया जा रहा, लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। आऊंगा सर मैं आपके पास भी। डॉक्टर गुंजन सोनी साहब, ये बेहद जायज सवाल है और इन्हीं तस्वीरों को देखकर आज हमने ये लाइन दी है कि क्या हालात वाकई में हाथ से बेकाबू हो गए, हाथ से अब नियंत्रण छूट चुका है। मुख्यमंत्री बार बार गुहार मीटिंग तो ले रहे, अपने खुद संक्रमित होने के बाद देखिए वो केंद्र से लेकर राज्य की जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे, पब्लिक से भी अवेयरनेस के लिए बार बार अपील कर रहे। आज जो चिकित्सा मंत्री हैं वो हाथ जोड़ने को मजबूर है कि भाई जितने इवेंट हैं, जितनी आपकी चीजें हैं, प्लीज अभी टाल दीजिए, जीवन रहेगा तो सब कुछ बाद में कर लिया जाएगा। एक तरफ ठेले पर डेड बॉडी ले जाई जा रही है, एक तरफ मौतों का सिलसिला जारी है, एक तरफ दाह संस्कार जहां पर हो रहा वहां पर जगह नहीं मिल रही, एक तरफ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। कब सुधरेंगे हालात, कैसे ये लोग समझेंगे, कैसे इनको समझाया जाएगा, कैसे मौत के सामने जो तांडव इस वक्त है उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे। संजय जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम लोग रोजाना ये समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है हॉस्पिटल में, लोग बार नहीं मानते हैं, उनको हमारे गार्ड निकालते हैं तो भी वो नहीं मानते। हम उनको समझाते हैं कि ये एक कोरोना एक इन्फेक्शस डिजीज है जो किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, पीपी किट पहन के अंदर आप नहीं जाएंगे और मास्क नहीं लगाएंगे और सैनिटाइज नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने ही बलवान हो, कितने ही शक्तिशाली हों, अच्छे अच्छे लोग इसमें ग्रसित हुए हैं और मरे हैं। और हम लोग जब बोलते हैं उनको बुरा लगता है, वो लोग हम लोगों को प्रेशराइज करते हैं, डॉक्टर्स को थ्रेटन करते हैं कि हमारे मरीज के साथ पता नहीं आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए आप बाहर निकाल रहे हैं। हमारा ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि हम कोई कसाई नहीं, हम डॉक्टर हैं। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने अभी नहीं चेते और अगर आपने लॉकडाउन जैसी अनुशासन नहीं लिया तो स्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाएंगी, ना तो आपके पास बेड रहेंगे ना ऑक्सीजन रहेगी। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, वो लिमिट हम क्रॉस करने जा रहे हैं। अगर ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो हम लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे कि पेशेंट मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना आपका चैनल कर पाएगा ना कोई सरकार कर पाएगी। ये सिर्फ अगर रोक सकते हैं तो लॉकडाउन करना पड़ेगा, और लॉकडाउन अपने स्वयं को लगाना पड़ेगा। अपने को अनुशासन में रहना है, घरों में रहना है, जहाँ तक संभव हो बाहर नहीं निकलना है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारी एक मजबूरी है, अगर हम नहीं जाएंगे तो आगे कौन जाएगा। एक तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनका आप इज्जत दीजिए, उनसे ढंग से बात करिए। आप उनको ऐसे हड़काते हैं जैसे कि डॉक्टर ने मार दिया उस पेशेंट को, ऐसी आप भावना रखेंगे तो डॉक्टर्स डिप्रेस हो जाएंगे। मॉरल बूस्टिंग इस वक्त डॉक्टर्स की बहुत जरूरी है। जो भी आता है इन्फ्लुएंशियल आदमी वो ऐसे सोचता है कि ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। बहुत ऐसे साधन हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके मीडिया के द्वारा कि डॉक्टर्स का सम्मान करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, बार बार उनको फ़ोन कॉल नहीं करिए। अगर कोई आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप उनको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, जब डॉक्टर फ्री होगा पीपी किट के बिना होगा तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, फ़ोन करेगा, बात करेगा। लेकिन बेवजह क्वेश्चन पूछते हैं और बेवजह बोलते हैं, अभी जाके देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एवरीबडी एवरी टाइम। ये आप देख लें, क्योंकि पेशेंट को देखना, इसमें पीपी किट पहन कर जाना होता है, सारी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये, ऑक्सीजन की भी कमी आने वाली है। मैं आपको ये हमारे मंत्री महोदय ने बोला और मुख्यमंत्री ने बोला, हम लोग मैक्सिमम लिमिट पे चल रहे हैं। अगर हमने नहीं चेते और ऐसे ही इन्फेक्शन की रेट बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होगी, जो देखने में बड़ी आपको विचित्र लगेंगी। ऐसे लगेगा कि शमशान में जगह ही नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ। नहीं सर, डराने की तो बात ही नहीं है, तस्वीरें तो खुद ही बता रही हैं। ये जो लापरवाहियां बरती गई उसके बाद जो हालात बने हैं, ये तो अब किसी के कहने से क्या होगा, वो तो नेचर खुद ही कर रहा है। पारिक साहब मैं आपके पास आता हूँ, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपके पास? सर ये बताइए, जो सरकारी गाइडलाइंस थी, अब तक तो पुलिस के डंडे से और प्रशासनिक
आदेशों के जरिए लोगों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पब्लिक कब चेतेगी, कैसे मानेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक सारी चीजें धता हो जाती है और हालात क्या होते हैं वो अस्पताल, सड़क, शमशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, गंभीर विषय है। पहले बार जो लॉकडाउन लागू हुआ था और जो थ्रोट पे इन्फेक्शन था, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आई थी, वो अब फेफड़ों तक आ गया है। निश्चित तौर पर सीधा अटैक हो रहा है और जो वैक्सीनेशन है वो ही मजबूत बनाता है। वैक्सीनेशन सबका हुआ नहीं है इसलिए हालात खतरनाक है। निश्चित तौर पर मास्क लगाना और बाहर नहीं जाना यही रास्ता है। जो अपनी इम्यूनिटी को बिल्टअप करने के लिए कुछ भी आप करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो पहले जैसे था कि गर्म पानी हो जाए, काढ़ा ले लीजिए और मास्क लगा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो सब करने के बाद भी हो सकता है। ये जो समस्या आई है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी हो रहा है, वो बहुत गंभीर बात है। तो जो वैक्सीनेशन की बात है कि अपने एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए दो डोज अगर वैक्सीनेशन की ठीक हो जाती है तो हमारा वो जो 50-60 का ग्राफ है वो बढ़कर हजारों में जाता है एंटीबॉडीज, तो आपको वो पेपर तक नहीं आएगा और वायरस आप बचा सकता है। ये जो क्लिनिकल है वो सकता है, अभी हमने पहले से अभी जो है वो बाहर नहीं निकलते हुए भी क्लिनिकल सहायता ही एकमात्र रास्ता बची है। सब कुछ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, ऑक्सीजन का सप्लाई हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई हो, चाहे बेड हो, जो इमरजेंसी के बेड होते हैं वो सबका अलॉटमेंट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति है कि गवर्नमेंट के पास में संसाधन सीमित है। अब वो 265 मैट्रिक टन उनको मिल रही है जबकि उनको 365 मैट्रिक टन चाहिए ऑक्सीजन, वो एक अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो टैंकर है, जो हमको साइरोजेनिक टैंकर चाहिए होते हैं, वो भी पूरे नहीं है। 23 थे पहले राजस्थान सरकार के पास में, 4 केंद्र और दे दिए इनको, तो अब निश्चित तौर पर जो नाइट्रोजन पारिक साहब वो तो सरकारी व्यवस्था है ना सर। मेरा सवाल ये है कि जो चेन है अगर ये टूट जाए तो अस्पतालों तक जाने की नौबत ही ना आए, और इस चेन को तोड़ने के लिए अब सरकारी सिस्टम नहीं, सरकारी डंडा हमें नहीं चाहिए। हमें ये अपने खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हम दूसरों के घर ना जाएं, दूसरों से ना मिलें, अपने घर में रहें, सामान जितनी जरूरत की उसको लाने के बाद कम से कम 2-4 महीने अपने घरों में रहने की आदत डालें। जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के सब नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हो, चाहे हमारे विपक्ष के नेता उप नेता हमारे गुलाब जी कटारिया और राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सबने आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को भी आह्वान हुआ है, उसमें बूथ लेवल तक ये बात है कि सब मैसेज कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए और ये जो वायरस है वो अदृश्य वायरस है, इसलिए इससे बचना ही एकमात्र रास्ता है। चाणक्य ने भी ऐसा कहा है कि अगर शत्रु गुप्त हो तो उससे बचने में ही भला है, इसलिए उससे बचाव मुख्य होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है। और जो हेल्पलाइन हमने चलाई है संजय, वो भी आप देखेंगे कि उसमें भी मेन रेड, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो, हम सरकार को कॉपरेट कर रहे हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी की बात इम्पॉर्टेंट है, वो ही एक्वायर करके सब सेवाओं को उपलब्ध करा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी चिट्ठी भी माननीय हर्षवर्धन जी को हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और सतीश पूनिया जी ने लिखी है कि वो आपूर्ति सुनिश्चित करें और अगर ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता है तो उसके से जो बोकारो स्टील प्लांट है वहां से ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग इस गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। इट डजंट मीन फॉर एनीथिंग कि वो कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। नहीं सर, अब सरकारों का जिक्र तो होना ही नहीं चाहिए, अब जिसकी भी सरकार है सभी मिलकर काम करिए, क्योंकि ये आपने कहा ना चाणक्य का ये वक्तव्य है कि जब शत्रु नहीं दिखाई देता हो, अदृश्य हो, तो आपको बचने में ही भलाई है। तो अगर वाकई में सबको सुरक्षित रखना है तो इन तमाम चीजों से हटकर बचने में ही भलाई है, मिलकर लड़ना होगा तभी जाकर कुछ हो पाएगा। आरसी चौधरी साहब, अब रास्ता क्या है, रोड मैप क्या है, कैसे प्रदेश को बचाएगी सरकार? देखिए निश्चित रूप से मैं राजस्थान के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग हों, कंपाउंड हों, चाहे दूसरे और स्टाफ्स के लोग हों, मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूं कि वो बिना थके हारे अपने जीवन का अधिकतम समय इस सेवा के अंदर दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता का और पूरे देश की जनता का एक कर्तव्य बनता है कि ये जो चैन है, इस चैन को हमें ही तोड़ना होगा।
उनकी एक कैपेसिटी होगी, एक चीज होगी कि वहां तक वो कितना कर पाएंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर गुंजन सोनी ने जो बात का जिक्र किया, मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि राजस्थान को उन्होंने इस देश का अग्रणी राज्य बनाया स्वास्थ्य सेवाओं में हो चाहे वैक्सीनेशन में हो, इसलिए रिसोर्सेज जुटते रहेंगे। लेकिन अच्छा ये है कि हम बीमार ना हो, हमारा कोई प्रियजन हमारी लापरवाही से ना जाए। हम अगर अपने आप को घर के अंदर सेल्फ लॉकडाउन अगर जारी कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इस राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसे भी बेबस और मजबूर लोग हैं जिनकी आजीविका बड़ी सीमित है, वो अपनी जगह पे ऐसा ना हो कि इस देश पे एक स्टिक लॉकडाउन के दोबारा थोपना पड़े। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है आज देश के 718 जिलों में से 400 जिलों के अंदर लॉकडाउन लगाने की स्थिति है, ऐसे बयावा अगर तस्वीर आती रहेगी, और एजेंसी ने चेताया है कि आने वाले समय में 15 मई तक पूरे देश के अंदर एक्टिव केसेज है वो 8 से 10 लाख के बीच में आ सकते हैं, पॉजिटिव जो केसेज है पर डे के हिसाब से, इसलिए ये आंकड़ा आने वाले समय में और भयावह हो सकता है और हम सबका दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है। और मैं साधुवाद करना चाहता हूं जी न्यूज का और संजय जी आपका कि जनता की जागरूकता के लिए आप सदैव खड़े रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं सर, और आपके पब्लिक तमाम जागे जो तब तो जो लोग हैं जो आप भी लगातार काम कर रहे हैं, हम भी देखिए पूरे संक्रमण के दौरान ऑफिस में आके लगातार लोगों को कर रहे हैं, निश्चित रूप से काम हो, और इसीलिए आपकी भी तरफ से हमारी भी तरफ से पब्लिक को सच में हाथ जोड़कर अपील है। स्वास्थ्य मंत्री भी जोड़ रहे हैं और हम भी जोड़ रहे हैं कि प्लीज जो गाइडलाइन कही गई वो मजाक नहीं है, और अगर आप उसका पालन करेंगे तभी जाकर आप बच पाएंगे, डॉक्टर्स की भी सलाह है। अनिल भारद्वाज जी, मैं सर थोड़ा थोड़ा समय बचा है, मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगा और आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा। अब ये बताइए कि आखिरी विकल्प क्या है, क्या लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई थी, चौपट हो ही गई थी, लेकिन लोग घरों में कैद हो गए थे, एक डर था लोगों के अंदर, तब जाकर वो चेन टूटी थी, और फिर से जब शुरू हुआ तो लापरवाही उस तरीके से हुई कि अब दूसरे फेज में देखिए आप क्या हो रहा है, क्या लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, चला जाना चाहिए सरकारों को? सरकार को लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। यदि सरकार लॉकडाउन नहीं करेगी तो हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो सेकेंडरी है, जब हमारी जीवन ही नहीं बचेगा, हमारी जान ही नहीं बचेगी तो उस अर्थव्यवस्था क्या करेंगे, हम कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, क्या एक टाइम खाएंगे, पर हम जिंदा तो रहेंगे। पर यदि सरकार लॉकडाउन नहीं करती तो ये लोग इसी तरह सड़कों पर डांस करते रहेंगे, शादी ब्याह करते रहेंगे, और कितनी भी गाइडलाइन कर लो लोग सुनते नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड खुलता है वैसे ही सड़कों पर मोटरसाइकिलें कारें और शादी ब्याह के लोग, मतलब शादी ब्याह के लिए सरकार 3 घंटे की परमिशन दे रही है, पर वो तो सारी अपने जितने भी कस्टम्स हैं, मेहंदी है, बासन है और बिंदोरी है, निकासी है, सारी कस्टम करते हैं, और हर कस्टम में कम से कम आप मानो ना, नहीं तो सर ये तो सरकार की भी लापरवाही है, शादियों की परमिशन मत दीजिए, हटाइए, अगर किसी की 6 महीने 1 साल शादी रही हुई तो क्या हो जाएगा, नहीं मत करिए, परमिशन मत दीजिए, ये ढिलाई मत बरतने दीजिए। अब तो ये मुझे लगता है कि आदेश देना पड़ेगा, ठीक है, मैं अपना थोड़ा समय दे रहा हूं मैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा एक अपील करिए आप सर, क्योंकि ये गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे तो समझ में आ रहा था, लेकिन जो बेसिक नियम बनाए गए थे उसको भी पब्लिक अब इस समय पालन नहीं कर रही, मजाक लोगों को लगता है अब। बिल्कुल, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा और बहुत ही भरे दिल से अपील कर रहा हूं कि जिस तरह से लोग बाग इसको इतनी सरलता से ले रहे हैं कि ये गाइडलाइंस हो, ये अखबार में लिखी हुई पन्ना है या पेपर पे लिखा पन्ना है, नहीं, इसका एक एक अक्षरांश जो भी बनाया गया है वो एक एक एक्सपर्ट ने बनाया है, जो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी एक्सपर्ट से बनाया है। मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, जब तक जरूरी नहीं हो कोई सम्मेलन मत करिए, एकदम अपने आप सेल्फ कंटेंड हो जाइए, अपने आप सेल्फ लॉकडाउन लगा लीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति इतनी ख़राब है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर ये और बात बिगड़ेगी तो बहुत परेशानी होगी, आप लोगों को भी होगी और हम लोगों को भी होगी। हम ये नहीं चाहते कोई व्यक्ति बीमार पड़े, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो हमें सेवा करनी पड़ती है और हमारे सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा बोझ आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, समय खत्म हो चुका है और आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें बताने के लिए, लेकिन अच्छा लगा कि सभी लोग मिलकर कम से कम स्थिति को समझने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं, राजनीति से परे, और ये पब्लिक को भी समझना होगा। ये जब जितने नेता होते हैं ये आपके लिए ही काम करते हैं, हम सब लगातार संक्रमण के बीच में आकर यहाँ पर खतरे में डालकर खुद को यहाँ पर आकर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन प्लीज सही कहा डॉक्टर साहब ने कि अक्षर जो लिखे हैं पेपर पर, कागजों पर, अखबारों में, वो आपकी सांसों को जिंदा करने वाले हैं, और जिंदा रहना है तो उनको अक्षरशः लागू करिए अपने जीवन पर,
मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बार बार आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रही है, मजाक नहीं है, और अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाइए, क्योंकि आप मजाक करते हैं तो दूसरे की जान चली जाती है। नमस्कार।